एवरीवन, वेलकम माय चैनल माय लाइफ चैनल। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही अच्छी और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे साड़ी पहनना। अगर आप लोगों को साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत सी ऐसा नहीं है कि सभी को साड़ी पहनना आता है, बहुत सी गर्ल्स लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता है। अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, साड़ी एकदम सेट नहीं बैठती है, कभी पल्ला सेट नहीं बैठता है। तो आज मैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है साड़ी का, तो मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी साड़ी की, एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जिसे आप एक पार्टी या शादी में कैरी कर सकती हैं, मतलब यूज़ कर सकती हैं उन टॉपिक्स को कि हम आप किस किस तरह से साड़ी पहन सकते हैं। एक नॉर्मल साड़ी तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन मैं आपको नए नए आइडियाज़ लेके आऊँगी साड़ी के। तो आज मैंने ओपन पल्ले की साड़ी पहनी है, तो और बहुत ही इजी वे में मैंने ये साड़ी पहनी है, बहुत आसान है। अगर आप इसको एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको ये साड़ी जरूर पहनी आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत हम लाइट वेट साड़ी से ही करेंगे। आप अपने राइट हैंड से साड़ी को फोल्ड करेंगे एक साइड से, कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जितनी लेंथ आपने रखनी है उतनी लेंथ आप रख लीजिए। और साड़ी पहनने से पहले आप जो भी अपने स्लीपर हील्स वगैरह जो पहनना चाहते हो वो साड़ी पहनने से पहले पहन लीजिए, और लेंथ देखिए कि वो ज़मीन से टच होनी चाहिए, तभी साड़ी का लुक एकदम से अच्छा आता है। तो इस तरह से आप पहले फोल्ड कर लीजिए साड़ी। और ये जो मेरा पल्ला है जो मैं खींच रही हूँ, ये टाइट होना चाहिए, साड़ी की फिटिंग इससे बहुत अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से खींचा हुआ और एकदम से टाइट है। तो अब हम ले लेंगे पल्ला, पल्ले को कुछ इस तरह से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे और इसको पीछे से घुमाते हुए शोल्डर पे डाल लेंगे। ये आपको लेफ्ट शोल्डर पे डालना है। जिनको नहीं आती वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी साइड पल्ला लेके जाना है, तो पल्ला हमेशा लेफ्ट साइड में ही जाता है। तो मैंने ये इस साइड को खींच के लेफ्ट साइड से खींचना है, और उसको अच्छे से खींच के यहाँ पे मैं सेंटर में इसको एक पिन की मदद से चक कर लोगी जिससे कि लूज ना हो। आप देख सकते हैं एकदम से टाइट हो गया है, अच्छे से सेट करना है, पहले अच्छे से सेट नहीं हुआ था। तो इसको अच्छे से किनारी से टक करना है। ये देखिए अच्छे से टक हो गया है, एकदम से खींचा हुआ है। इससे क्या होगा, आप जैसे मर्जी उठे बैठे आपकी साड़ी लूज़ नहीं होगी। अब देखिए दोनों साइड से सिर्फ हमारी प्लेट्स बनाने के लिए साड़ी बची है, तो कुछ इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। और प्लेट्स आपको कैसे बनानी है, प्लेट्स हमेशा छोटी ही प्लेट्स बनानी चाहिए। बहुत से लोग प्लेट्स बहुत बड़ी बनाते हैं, प्लेट आप जितनी छोटी बनाएंगे उतनी ज़्यादा साड़ी अच्छी लगेगी, और जो प्लेट्स हैं वो ज़्यादा पड़ेंगी। बड़ी बड़ी प्लेट्स अगर डालेंगे तो वो कुछ ही प्लेट्स बनेंगी, 6-7। इस तरह से अगर आप छोटी छोटी प्लेट बनाते हैं तो ये ज़्यादा बनेंगी, जिससे कि साड़ी का घेर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए कितनी सारी प्लेट्स पड़ गई हैं। तो इस तरह से प्लेट्स को पकड़ लीजिए और ऊपर से सारी जितनी भी प्लेट्स हैं उनको एक साथ एक सार करके उनको पकड़ना है, कोई ऊपर नीचे आगे पीछे ना रहे। तो इस तरह से प्लेट्स को हम पकड़ लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फ्रंट का जो प्लेट्स होती है उसको हम 1-2 इंच नीचे रखेंगे बाकी प्लेटों से। इससे क्या होगा कि जो आगे वाली प्लेट है ना, बाकी पिछली प्लेट्स को कवर कर लेगी, जिससे कि प्लेट्स बहुत अच्छी लगेंगी, नीचे से फ्लोर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद सारी प्लेट्स को हम एक सार कर लेंगे जहाँ से हमें साड़ी को फोल्ड करना है।
प्लेट्स को हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, तो वहाँ से हम इनको अच्छे से पकड़ लेंगे एक साथ और इसको फोल्ड कर देंगे। इसको सेंटर में फोल्ड करना है। अब देखिए कितनी सारी प्लेट्स बनी हैं, तो कुछ इस तरह से आपको करना है। अब जहाँ पे हमें पिन लगानी है, पिन हमेशा ज़्यादा नीचे ना लगाएं, पिन ऊपर ही लगाएं। जब हम ज़्यादा नीचे लगाते हैं तो साड़ी का लुक ही चेंज हो जाता है, तो इसीलिए ऊपर ही लगाएं। ये मैंने बहुत छोटी पिन ली है। छोटी पिन से क्या होता है कि वो कसे रहते हैं प्लेट्स, अगर हम बड़ी सेफ्टी पिन लेंगे तो उससे क्या होता है वो लूज़ हो जाती है, जगह ज़्यादा रहती है उसमें तो वो लूज़ हो जाएंगी प्लेट्स, इसीलिए छोटी पिन यहाँ पे टक करें। तो देखिए इस तरह से हमारी प्लेट कितनी आसानी से बन गई और एकदम से सेट आ गई। आप देख सकते हैं मुझे नीचे से भी सेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, साड़ी को अपने आप से प्लेट्स एकदम से सेट बैठ गई हैं। तो इस तरह से आप पल्ले को ओपन कर लीजिए, आप देखिए साड़ी एकदम से कसी हुई और एकदम से अच्छी आई है। अब मैं कहीं सिर्फ एक ही पिन लगाऊंगी ओपन साड़ी में, हमने ओपन पल्ला लिया है तो ओपन पल्ले में सिर्फ एक ही पिन लगाना है मुझे, यहाँ पे दूसरी साइड में और राइट शोल्डर पे कोई पिन नहीं लगाना है। तो लेफ्ट शोल्डर पे हम इस तरह से एक पिन टक कर लेंगे, खींच के अच्छे से खींचना है। साड़ी लूज़ होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने दूसरी साइड से पहले ही एक पिन से टक किया है, तो वो लूज़ नहीं होगी। देखिए आप कितनी कसी हुई और एकदम से बिल्कुल फिट साड़ी बनी है। आप इस तरह से किसी भी पार्टी में इस तरह से साड़ी पहन सकते हैं और इसका लुक एकदम से इतना मस्त लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।